तीन साधुओं पर हमले के मामले में गिरफ्तार 12 लोगों को रघुनाथपुर सब डिविजनल कोर्ट में लाया गया। वहीं इस मामले पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी हमेशा जवाबदेही से बचती रही है। स्थानीय लोगों ने तीन साधुओं की पिटाई की क्योंकि उनका आरोप है कि साधु वहां से तीन लड़कियों का अपहरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लड़कियों को बचाया। पुलिस साधुओं को थाने ले गई, जांच चल रही है। शशि पांजा ने कहा कि लेकिन परुलिया में बीजेपी नेता की पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता पार्टी हैज ऑलवेज इवेडेड अकाउंटेबिलिटी। अमित मालवीय इज येट टू आंसर एज टू व्हाई इन यूपी बीजेपी वर्कर्स हु वर एसोसिएटेड विद द आईटी सेल विंग हैड रेप्ड समबडी बट दिस रेपिस्ट्स have yet not been removed from the wing and no action has been taken by BJP. No questions are raised either by Bharatiya Janata Party, the Bengal, in the state of Bengal, by its leaders. And what do we see? That Bharatiya Janata Party in Purulia is trying to create a different narrative, misrepresent incidents which happened in Purulia on the 11th of January. There were these three sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping three local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. The police had arrived, controlled the situation and have taken the sadhus to the Thana. Cases have been started by the local villagers against these sadhus, by the sadhus against the local villagers. The situation is under control by the police. Investigation is on. But Bharatiya Janata Party leaders in Purulia, as is always, are trying to misrepresent and trying to again malign the entire incident. और अयोध्या पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए भरण पोषण की धनराशि के अलावा हम दिव्यांग दंपत्ति की शादी के अनुदान के रूप में 35,000 की धनराशि देकर उनका आर्थिक सहयोग करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा दुकान निर्माण के लिए 10,000 से 20,000 की धनराशि देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्लांट के माध्यम से ऐसे दिव्यांग जिनके शारीरिक क्षमता पैदा होती है 6 लाख की धनराशि खर्च करके उनका ऑपरेशन कराकर और जीवन को सामान्य करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में दिव्यांग जनों को भरण पोषण की राशि के रूप में मात्र 300 महीना मिलती थी। जब से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी उस समय 300 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को सशक्त करने के लिए भरण पोषण की धनराशि के अलावा हम दिव्यांग दंपत्ति की शादी के अनुदान के रूप में 35,000 की धनराशि देकर उनको आर्थिक सहयोग करने का काम करते हैं। इसके अलावा दुकान निर्माण, दुकान संचालन के लिए 10,000 से 20,000 की धनराशि देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के माध्यम से ऐसे दिव्यांग जिनके शारीरिक अक्षमता पैदा होती है 6 लाख की धनराशि खर्च करके हम उनका ऑपरेशन करा के उनके जीवन को सामान्य करने का काम करते हैं। बचपन डे केयर सेंटर, समेकित विद्यालय, संकेत विद्यालय, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में संकल्पित होकर लगे। उत्तर प्रदेश में उधर बांदा में खेतों में विशालकाय अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई। खेतों में फसलों की रखवाली करते समय 12 फीट लंबा अजगर निकल आया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। तिंदबर्रा कोतवाली इलाके के फतेहपुर ढाबा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।